अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो मज़ेदार आलू के पराठे। नए तरीके से हमने आज आलू के पराठे बनाए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताए करें आपके आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। चलें अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। 3 अदद हमने आलू ले लिए हैं, इनको हमने अच्छे से उबाल लिया है और इनको अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया और 2 मिर्चें हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। 1 चम्मच जीरा है जिसको हमने भून के कूट लिया। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कसूरी मेथी, नमक है हसबे ज़रूरत, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच अजवाइन, 3.5 कप ये हमारा आटा है। 1 छोटे साइज़ की प्याज हमने ब्राउन कर लिए। आलू हमने अच्छे से मैश कर लिए हैं और ये सब चीज़ें अब मैं इसमें डालूंगी। हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा, कसूरी मेथी, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, अजवाइन, प्याज, नमक। पहले मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी आलू में। 3.5 कप मैंने ये आटा ले लिया है और आटा भी मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, मैंने आटा ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे, एकदम नहीं डालेंगे। आटा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखें सब खट्टा हो गया है ये। अब मैं इसको अच्छे से गूंद लूँगी। आटा हमारा अच्छे से गूंद चुका है, थोड़ा सा इस पर हम ऊपर से ऑयल लगा देंगे। 10 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा से आटा डाल देंगे और इसको हमने पेड़ा बना लिया है और इसको हम बेल लेंगे। को हम अच्छे से बेल लेंगे। तवा हमारा गरम हो चुका है, अब हम इस पे पराठा डाल देंगे। एक साइड से हाथ सिक चुका है, अब हम इस पे घी डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर से घी डाल देंगे इसको फ्राई करने के लिए पराठे को। पराठा हमारा अच्छे से सिक चुका है, ये हमें उतार लिया। ये पराठा भी हम इसी तरह बना लेंगे, इस पे भी हम आटा डाल देंगे थोड़ा। आलू के पराठे मेरे रेडी हो चुके हैं। आप चटनी और
अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसको। दो पराठे मैंने बना लिए हैं और बाकी भी हम मैं इसी तरह ही बना लूँगी। देखें कितने नरम और अच्छे सॉफ्ट बने बने आप अचार से और चटनी से खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही मज़े के बने। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और आप मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इंशाल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।